कंगना को मिली धमकियां, उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी फैमिली और फैंस थे परेशान। शिवसेना के नेताओं की धमकी के बाद कंगना ने भी किया था 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान। संजय राउत समेत तमाम विरोधियों को दिया था चैलेंज, पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई कंगना की सुरक्षा। कंगना को केंद्र सरकार ने दी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। कंगना ने भी कहा खास अंदाज में शुक्रिया। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कंगना ने लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ, वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना रनौत मुंबई वापसी के लिए तैयार है और 9 सितंबर वो तारीख है जब पूरे देश की नज़र इस न्यूज़ पर टिकी रहने वाली है, यानी अब मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के लिए सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। विरोधियों के गतिविधियां नाकाम हो, इसका पूरा ध्यान होम मिनिस्टर ने रखा है। वैसे इस फैसले से पहले कंगना की सिक्योरिटी को लेकर खूब चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार से कंगना को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की थी। ड्रग्स व बॉलीवुड माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर कंगना के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा, हिमाचल कंगना की जन्मभूमि तो मुंबई कर्म भूमि है। मुंबई देश का अभिन्न अंग है और हर नागरिक का उस पर अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में डीजीपी को आदेश जारी किए। शिमला में पत्रकारों से अनऑफिशियल बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कंगना की बहन का उन्हें फोन आया था, उन्होंने कंगना की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उठाई। इसके अलावा अभिनेत्री के पिता ने हिमाचल पुलिस से बेटी की सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। कंगना हिमाचल की बेटी और सेलिब्रिटी है, इस कारण उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वो 9 सितंबर को मुंबई जा रही है। प्रदेश सरकार हिमाचल से मुंबई तक सुरक्षा देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कंगना रनौत को सुरक्षा प्रदान करने की बात करने के कुछ घंटों बाद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा, कंगना का परिवार और पूरा हिमाचल उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सीएम के रूप में ठाकरे को अभिनेत्री को पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और अपनी पार्टी के नेताओं को उसे नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहिए। सेना एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा के बाद राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। इस दृष्टि से कंगना रनौत को शिवसेना की ओर से बहुत अधिक सहयोग मिलना चाहिए। कंगना का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हालांकि कुछ टिप्पणियों को लेकर शिवसेना के कुछ नेता कंगना को धमकियां दे रहे हैं। शिवसेना नेता और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी उनके पुराने मित्र है और मैंने उन्हें भी कंगना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिखा है, यानी कि कंगना रनौत की सुरक्षा होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए इस समय टॉप एजेंडा में एक है। अब बस देरी है कंगना के मुंबई में कदम रखने की। इस पर अब शिवसेना नेता संजय राउत क्या रिएक्शन देंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ, आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है,
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की और संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।